नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर मरीज खारी। आपका अपने चैनल डॉक्टर खारी पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे डॉक्टर एक्वैक R46 के बारे में। R46 एक होम्योपैथिक दवाई है जिसे डॉक्टर एक्वैक कंपनी बनाती है, जो एक जर्मन कंपनी है। दोस्तों, इस दवाई के यूजेस की बात करें तो ये अर्थराइटिस में बहुत इफ़ेक्टिव रहती है, ख़ास तौर पर हाथों के और कलाइयों के और हाथों की उंगलियों के या फिर पूरी बाँह के अर्थराइटिस में यह दवाई बहुत इफ़ेक्टिव रहती है। इसके सिम्टम्स की बात करें तो उंगलियों या फिर हाथों के किसी भी हिस्से में, कलाई में सूजन आने पर, सूजन के साथ दर्द होने पर। दोस्तों, इसके और सिम्टम्स की बात करें तो मौसम बदलने के साथ पेशेंट का दर्द अगर बढ़ता है तो यह दवाई बहुत इफ़ेक्टिव रहती है। इन दर्द के साथ यह दवाई और दर्द में भी काम आती है, जैसे कंधों का दर्द, कूल्हों का दर्द या सिर के पीछे के हिस्से में होने वाले दर्द में भी यह दवाई बहुत असरदार है। दोस्तों, इस दवाई की अगर बात करें तो एक पेटेंट मेडिसिन है जो डॉक्टर एक्वैक कंपनी बनाती है। R46 में कुछ ऐसी चुनिंदा होम्योपैथिक मेडिसिन डाली गई हैं जो इन दर्द में असरदार रहती हैं। चलिए जानते हैं इनके बारे में डिटेल में। दोस्तों, इसमें सबसे पहली दवाई रहती है फेरमफोस D12-1G। दोस्तों, इस दवाई के बारे में बात करें तो ये रियूमेटिज्म के साथ साथ खून की कमी को भी पूरा करती है और अर्थराइटिस में होने वाले दर्द में भी बहुत इफ़ेक्टिव रहती है। दोस्तों, इसमें अगली दवाई की बात करें तो लिथियम कार्ब D12-1G रहती है। यह गठिया बाय के दर्द के लिए बहुत इफ़ेक्टिव दवाई रहती है। दोस्तों, इसमें अगली दवाई नेट्रम सल्प डाली गई है जो दर्द के लिए बहुत असरदार रहती है। नक्सोमिका D30-1G जो इसमें दवाई डाली गई है, यह दवाई तब काम करती है जब पेशेंट सोकर उठता है और पेशेंट का दर्द बड़ा होता है। अगली दवाई की बात करें तो इसमें रोडोडेंड्रोन डाली गई है जो हाथों के पुराने दर्द में बहुत अच्छी दवाई रहती है। अगली दवाई इसमें स्पाइरिया अल्मेरिया डली होती है। दोस्तों, इस दवाई के डोजेस की बात करें यानी इसे कैसे लेना चाहिए, तो इसे दिन में 3-4 बार 1/4 कप पानी में डालकर 10-15 ड्रॉप्स लेनी चाहिए। धीरे धीरे दर्द का असर कम हो तो इसे दिन में 2 बार कर देना चाहिए। दोस्तों, यह दवाई एक पेटेंट मेडिसिन है, यानी अगर आपका दर्द ज़्यादा है, ज़्यादा समय से है या कोई और परेशानी है जिसकी वजह से आपको दर्द हो रहा है तो आपको कुछ और होम्योपैथिक मेडिसिन का सहारा लेना पड़ सकता है। इसके लिए आप अपने नज़दीकी डॉक्टर से मिलें। ज़्यादा परेशानी होने पर आप हमसे भी संपर्क कर सकते हैं, दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके हमें अपनी परेशानी बताएं, हम आपको उसका उचित इलाज या सलाह देंगे।